हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निशी जॉम। आज मैं आप लोग के लिए सिंगल कलर का डिजाइन लाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे आप लेडीज स्वेटर में बना सकते हो, जेंट्स स्वेटर में बना सकते हो, या फिर आप बच्चों के स्वेटर में बना सकते हो। यह सिंगल कलर का डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होंगे। 4 सिलाइयों में डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। देखिए इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमने 14 फंदे लिए हैं, 12 फंदे हमने डिजाइन के लिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं साइड के लिए। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा हम पीछे ही रखेंगे। अब क्या करना है, पहला और दूसरा फंदा को हमें छोड़ करके तीसरे फंदे को हमें इस प्रकार से उठाना है और इसके ऊपर से हमें इस प्रकार से टर्न कर देना है, पलट देना है इसके ऊपर। यानी कि हमारा एक फंदा घट गया, ये जो हमने यहाँ पलट करके लाया। तो अब हम क्या करेंगे कि धागा पीछे ही रखेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये जो हमारा फंदा घटा है उसे हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आगे धागा करेंगे और यहाँ पे हम एक जाली डालते हुए सीधा फंदा बुनेंगे। तो हमारा 3 का 3 फंदा हो गया। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा छोड़ देना और दूसरा फंदा छोड़ करके तीसरा फंदा को हमें इस प्रकार से उठाना है और फिर से हमें इस प्रकार से इसे टर्न कर देना है इसपे से, और फिर से हमें एक फंदा सीधा बुनना है। फिर से हम धागा आगे करेंगे, जो हमारा फंदा कम है उसे बढ़ाने के लिए एक आगे फंदा करके हम एक जाली डालते हुए यहाँ पे सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमारा 3 का 3 फंदा हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा फंदा को छोड़ देंगे और तीसरा फंदा को हम उठा करके और इस पे हम इस प्रकार से पलट देंगे। फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे हम एक जाली डालते हुए सीधा बना लेंगे। फिर से हम पहला दूसरा को छोड़ करके और तीसरा को हम इस प्रकार से उठाएंगे और इस प्रकार से हम इस पे पलट देंगे। अब क्या करना है, फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालते हुए हम सीधा फंदा बुन लेंगे। लास्ट का फंदा हम सीधा ही बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सारी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, उल्टी साइड से। ये देखिए हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो में देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और उस बार हमने दूसरे फंदे से स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इसमें दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब क्या करना है, अब तीसरा फंदा जो हमारा है, पहला और दूसरा को छोड़ करके तीसरा वाला फंदा, उसे हम इस प्रकार से पलट लेंगे और फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा हम आगे करेंगे और एक यहाँ पे हम जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। फिर से हम तीसरा फंदा लेंगे और इस प्रकार से दूसरे फंदे पे हम पलट देंगे, पहले और दूसरे पे। फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और एक यहाँ पे हम जाली डालते हुए सीधा फंदा बना लेंगे। फिर से हम पहला और दूसरा को छोड़ देंगे और तीसरे फंदे को हम इस पर से पलट देंगे और फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक यहाँ पे हम जाली डालते हुए सीधा बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहला दूसरा को छोड़ करके तीसरे फंदे को हम इस पे पलट देंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और धागा आगे करके हम एक जाली डालते हुए एक सीधा फंदा हम बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सारी सिलाई हम वापस उल्टी ही बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए बहुत ही आसान सा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल डिजाइन है और ये जल्दी बुन भी जाएगा अगर आप इसे स्वेटर में डालेंगे तो। देखिए इसका लुक इस प्रकार से आ रहा है। देखिए बनने के बाद ये इस प्रकार से
दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। देखिए ये बीच में नॉट नॉट टाइप का है, बीच में जाली और ये बीच में गांठ टाइप का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बनाइएगा आप इसे एक बार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।